मदन और सुमित्रा दोनों मियां बीवी होते हैं, लेकिन सुमित्रा एक बांझ होती है जिस कारण उसके और मदन के जीवन में कभी संतान का सुख लिखा ही नहीं होता है। मदन एक गरीब चपरासी होता है। एक दिन वो और सुमित्रा एक गांव के एक मेले में जाते हैं, जहां पर उन्हें एक 7 साल का छोटा बच्चा मिलता है जो रो रहा होता है। हे भगवान, ये बच्चा रो क्यों रहा है? बच्चा, क्या हो गया बेटू? आप रो क्यों रहे हो? मेरा नाम टिंगू है। मैं अपने मम्मी पापा से अलग हो गया हूँ। इस मेले में मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। मुझे भूखी लगी है। ठीक है बेटा, आप रोना बंद करो और हमें अपने पापा या मम्मी का नाम बताओ या फिर अपने घर का एड्रेस बता दो, हम तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे। नहीं अंकल, मुझे अपने मम्मी पापा का नाम नहीं याद और मुझे अपने घर का एड्रेस भी ठीक से नहीं पता। सुमित्रा और मदन चिंतित हो जाते हैं। टिंगू को भूख लगी होती है, इसलिए सुमित्रा और मदन उसे अपने घर ले जाते हैं और सुमित्रा बढ़िया सा खाना बनाती है और मदन अपने हाथों से टिंगू को खाना खिलाता है। वाओ अंकल, आप बहुत अच्छे हो। मेरे पापा ने कभी मुझे अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया, लेकिन आपके हाथ से खाकर ऐसा ही लग रहा है कि आप ही मेरे पापा हो। टिंगू बेटा, आप बहुत अच्छे हो। मदन और सुमित्रा टिंगू को अच्छे से प्यार से संभालने लगते हैं। टिंगू भी उनके साथ रहकर अपने पापा को भूलने लगता है। मदन टिंगू के साथ खेलता है और मस्ती भी करता है। मजा आ रहा है ना बेटा आपको खेलते हुए? हाँ अंकल, बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मेरे साथ कभी कोई नहीं खेलता और पापा तो बिल्कुल भी नहीं। पापा बस ऑफिस से आने के बाद 2 मिनट मुझसे बात करते हैं और फिर अपने रूम में चले जाते हैं। निराश मत हो बेटा, अब अंकल है ना, आप उनके साथ खेल लो। दरअसल टिंगू एक अमीर आदमी ललित का बेटा होता है। ललित और उसकी बीवी भानुमती दोनों पुलिस कंप्लेन करके अपने बेटे टिंगू की तलाश करते हैं। वही टिंगू को सुमित्रा और मदन के साथ लगाव हो जाता है। अंकल अंकल, चलो ना, दिवाली आ रही है, साथ मिलकर हमारे घर के बाहर वो मिट्टी का किला बनाएं। हाँ हाँ बेटा, अभी बनाते हैं, चलो। ये जो प्यार टिंगू को उसका सगा अमीर बाप ललित नहीं दे पाया था, वो प्यार टिंगू को मदन के पास मिलने लगा था और टिंगू धीरे धीरे मदन और सुमित्रा के साथ ही घुल मिलने लगा था। मदन जी, टिंगू के असली माता पिता भी तो उसके लिए परेशान हो रहे होंगे। हमें पुलिस स्टेशन जाकर टिंगू के बारे में पुलिस को बताना चाहिए। बात तो तुम सही कह रही हो भाग्यवान, लेकिन अब टिंगू से मुझे लगाव हो गया है और उसे मुझसे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर हो। लेकिन किस्मत ललित को उसके बेटे से मिलवा ही देती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस टिंगू को मदन के पास पाती है। टिंगू, मेरा बच्चा। नहीं पापा, मुझे आपके पास नहीं आना है, क्योंकि आप एक अच्छे पापा नहीं हो। आप हमेशा अपने काम में बिजी रहते हो और कभी मेरे साथ नहीं खेलते। आप मुझसे ज्यादा बातें भी नहीं करते हो, तो फिर क्यों आए हो यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए? ललित भाई साहब, मैं जानता हूँ कि टिंगू आपका बेटा है और मुझे आप दोनों के बीच कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन आपको एक बात कहूँ, आप चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो, आपको अपने बेटे को दुनिया का सबसे कीमती तोहफा रोज देना होगा, और वो कीमती तोहफा कुछ और नहीं बल्कि वक्त है। ललित की आंखें भर आती हैं और उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं आज तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं अब से तुम्हें हर रोज अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त दूंगा और एक अच्छा पिता बनने की पूरी कोशिश करूंगा। उस दिन के बाद से टिंगू फिर से ललित और भानुमती के पास तो जाता ही है।
लेकिन मदन और सुमित्रा उससे मिलने हर हफ्ते आते हैं और वो सभी खुशी खुशी से रहने लगते हैं।